हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज मैं आपके लिए ईयर 2009 में रिलीज हुई हिल्स रन रेड मूवी लेकर आया हूँ, जिसमें दिखाए गए मर्डर्स इतने रियल थे कि वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने इस मूवी को बैन कर दिया और इस मूवी का सिर्फ ट्रेलर ही लोगों के लिए पब्लिक किया। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इस मूवी को लेकर आया हूँ, तो चलिए आगे देखते हैं कि मूवी में क्या हुआ। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस मूवी की स्टार्टिंग लोरी सुनाते हुए होती है, जिसके साथ ही में हम एक बच्चे को शीशे के सामने देख पाते हैं जो किसी इंसिडेंट के बाद में डिस्टर्ब था। वो देखते देखते वो बच्चा अपने फेस की स्किन को उतारने लगता है और पास ही में रखे हुए एक डॉल के फेस को लगा देता है, जिस वजह से उसका नाम बेबी फेस होता है और ये बच्चा हमारी मूवी का मेन किलर है। अब नेक्स्ट सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम टेलर नाम के एक शख्स को देखते हैं जो कि अपने लैपटॉप में मूवी देख रहा था और उस मूवी का नाम द हिल्स रन रेड होता है। लेकिन इस मूवी के पब्लिक होने के बाद जिन भी लोगों को ये मूवी दिखाई गई वे सभी मेंटली डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि इस मूवी में इतना ज्यादा टॉर्चर और वायलेंस दिखाया गया था जिससे कि कोई नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन बियर ही नहीं कर सकता। और उसे देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने इस मूवी को बैन कर दिया था और बस उसका ट्रेलर ही पब्लिक किया था। इस मूवी के रिलीज होने के कुछ दिन के बाद में विल्सन, जो कि इस मूवी का डायरेक्टर था, वो भी एक दिन अचानक से गायब हो गए और टेलर को किसी भी कंडीशन में द हिल्स रन रेड मूवी को देखना थी, जिस वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड सेरिना को भी टाइम नहीं दे पा रहा था। फिर हम अगले दिन टेलर को उसके फ्रेंड लालो के साथ में सिनेमा हॉल में देखते हैं, जहाँ पर वो उसे इस मूवी के बारे में बताता है। लेकिन लालो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है और टेलर को भी सजेस्ट करता है कि इस मूवी से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड मत हो। और यही हमें इस मूवी के डॉक्टर के गायब होने से पहले की एक क्लिप दिखाई जाती है, जिसमें वो इस क्रेजी मूवी के बारे में बताता है। फिर हम टेलर और लालो को उनके घर में देखते हैं, जहाँ पर टेलर ने ऑनलाइन सर्च करने के बाद में विल्सन वेलर की डॉटर एलेक्सा के बारे में पता लगा लिया था, जो कि एक नाइट क्लब में काम किया करती थी। और उसके बाद में वो वहाँ से उससे मिलने के लिए जाता है और जैसे ही वो एलेक्सा के सामने द हिल्स रन रेड मूवी का जिक्र करता है तो वो उसे शांत रहने का बोलती है और रात में बाहर मिलने के लिए बुलाती है। फिर वहीं दूसरी तरफ हम सेरिना को देखते हैं, जो कि टेलर से सेटिस्फाई नहीं होने की वजह से लालो के साथ में इंटीमेट हो जाती है, जिसके बाद हम रात में उन दोनों को एलेक्सा के घर में देखते हैं, जहाँ पर एलेक्सा टेलर को सेक्सुअल सेड्यूस करती है। लेकिन वो उसे बस उस मूवी के बारे में जानना चाहता था, जिस वजह से वो एलेक्सा का साथ नहीं देता है। और टेलर के काफी इंसिस्ट करने के बाद एलेक्सा उसे बताती है कि शायद उस मूवी की टेप तुम्हें मेरे डैड विल्सन के घर पर मिल जाएगी, जो कि सिटी से दूर एक जंगल में है। और उसे सुनने के बाद में वो एलेक्सा को वहाँ पर ले जाने का बोल देता है। और अगली मॉर्निंग हम उन सभी को उस जंगल की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो रास्ते में स्टे करते हैं और वहीं पर एलेक्सा को एक डॉल दिखाई देती है जिसका सर कटा हुआ था। और तभी वो अपने पीछे बेबी फेस को नोटिस करती है और उसे देखकर वो डर जाती है। टेलर यहाँ पर आकर उसे संभालता है और वहाँ से ले जाता है। और फिर हम इन सबको एक पेट्रोल पंप पर देखते हैं, जो कि हिल्स रन रेड मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया था। और उसे पहचानने के बाद में टेलर वहाँ के लोकल से उस मूवी के बारे में पूछता है, जिसमें एक ओल्ड लेडी ये बताती है कि उस मूवी में जितना भी ब्लड दिखाया गया था वो सभी ब्लड रियल था। और यही वो एलेक्सा को पहचान लेती है जब वो बहुत ही छोटी हुआ करती है। फिर वहाँ पर सोनी नाम का एक आदमी आता है, जो कि टेलर को मूवी के बारे में बताने लगता है, लेकिन वो उसे पागल समझकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम सभी फ्रेंड्स को उस जंगल में देखते हैं, जिसके आगे का सफर उन्हें पैदल तय करना था। और यहाँ पर लालो सेफ्टी के लिए अपने साथ में एक गन रख लेता है। फिर ये सभी जंगल में जाते हैं और थोड़ा आगे चलने पर एलेक्सा के पैरों के नीचे एक ट्रैप आ जाता है, जिससे कि वो थोड़ा डर जाती है। और टेलर जब वहाँ पर आसपास देखता है तो उसे उस मूवी का ट्रेलर में दिखाया गया एक सीन याद आता है, जिसमें एक लेडी को कुछ ट्रेस में फंसाकर एक ट्रैप बनाया गया था और बेबी फेस उस ट्रैप में लगी रस्सियों को काट देता है, जिस वजह से वो लेडी बीच से फटकर बुरी तरीके से मर जाती है। अब काफी रात हो जाने की वजह से वे लोग जंगल में एक टेंट लगाकर आराम करने लगते हैं, जहाँ पर टेलर अपने कैमरा में रिकॉर्डिंग को देख रहा होता है। और वहीं पर वो एक रिकॉर्डिंग में बेबी फेस को नोटिस करता है कि तभी वहाँ पर एलेक्सा आ जाती है और टेलर अपने कैमरा से एलेक्सा का इंटरव्यू लेने लगता है, जिसमें वो उसे बताती है कि किसी स्ट्रेंजर ने बेबी फेस की मदर का फोर्सफुली रेप किया था, जिस वजह से बेबी फेस का जन्म हुआ था। और बर्थ से उसकी साइकोलॉजी बाकी बच्चों से काफी अलग थी, जिस कारण हम मूवी की स्टार्टिंग में ही उसे अपने फेस को काटते हुए देखते हैं। अब इसके बाद में हम टेलर और एलेक्सा को नजदीक आते हुए देखते हैं, जहाँ पर एलेक्सा टेलर को किस करती है कि तभी टेलर को अपने माइक में किसी के होने का एहसास होता है और वो किसी के चलने की आवाज को सुन पा रहा था। और तभी अचानक
कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं और ये लोग कोई और नहीं बल्कि वही होते हैं जो कि इन सभी को पेट्रोल पंप पर मिले हुए थे और ये सभी यहाँ पर सेरिना और एलेक्सा का रेप करने के लिए आए थे। फिर वे उन सभी को एक रस्ते से बांध देते हैं और यहीं उन्हें वो गन भी मिलती है जिसे लालो ने अपने साथ में सबकी सेफ्टी के लिए रखा था और वे लोग एलेक्सा को अपने साथ में उसका रेप करने के लिए ले जाते हैं। तभी वहाँ पर पीछे से उन्हें एक कुलाड़ी आकर उनमें से एक के आर पार हो जाती है और यहीं पर हम बेबी फेस को देखते हैं जो कि उनमें से सबको एक एक करके बेरहमी से मार डालता है। फिर बाद में वो एलेक्सा को भी पकड़ लेता है लेकिन एलेक्सा यहाँ पर बेबी फेस को एक लोरी सुनाती है जिसे सुनकर वो बेबी फेस शांत हो जाता है और मौका पाते ही वो वहाँ से भाग जाती है लेकिन बेबी फेस उसका पीछा नहीं छोड़ता है और उसे पकड़ने के लिए जाता है। अब पीछे वे सभी फ्रेंड्स बहुत मुश्किल से खुद को आजाद कर लेते हैं और टेलर उन सबको इस जंगल से निकालकर हेल्प बुलाने का बोलता है और खुद एलेक्स को ढूंढने जंगल के अंदर चला जाता है। फिर कुछ दूर तक ढूंढने पर उसे एक अबैंडन्ड हाउस मिलता है जहां पर वो एलेक्सा को ढूंढने के लिए घुस जाता है। फिर वहीं दूसरी तरफ हम सेरिना और लालो को देख पाते हैं जहां पर सेरिना पुलिस को कॉल करती है और उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बताती है जिसके बाद पुलिस उनकी लोकेशन मांगती है लेकिन सेरिना को एग्जैक्टली ये नहीं पता होता है कि वे लोग कहाँ पर हैं जिस वजह से वो पुलिस को लोकेशन नहीं बता पाती और तभी लालो वहाँ किसी के फुटस्टेप को सुनता है जिसे सुनने के बाद में वो सेरिना को भागने के लिए बोलता है। फिर हम टेलर को उसी घर में देख पाते हैं जहाँ पर एक रूम में उसे बहुत सी रील्स मिलती है जिनमें से एक रील में एलेक्सा और टेलर के क्लब वाली रिकॉर्डिंग भी थी और उसे देखने के बाद में वो थोड़ा डर जाता है और तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो उसे फॉलो करते हुए एलेक्सा को ढूंढ लेता है जो कि एक बेड पर नेकेड बंधी हुई थी और इसके बाद में वो उसकी हेल्प करते हुए उसे आजाद कर देता है। दूसरी तरफ सेरिना और लालो के सामने बेबी फेस आ जाता है जहाँ पर वो लालो को एक गन से शूट करके बेहोश कर देता है और सेरिना के पीछे आ जाता है। सेरिना भी भागते हुए उसी घर तक पहुंच जाती है जहाँ पर वो चेयर पर बैठे किसी शख्स से मदद मांगती है लेकिन वो आदमी पहले ही मारा जा चुका था जिसे देखने के बाद में वहाँ से भागते हुए टेलर से टकरा जाती है। तभी वहाँ पे बेबी फेस आ जाता है जो कि टेलर को बहुत मारता है और एलेक्सा को भी पकड़ लेता है लेकिन वो यहाँ पर दोबारा से बेबी फेस पर अपना कंट्रोल कर लेती है और बेबी फेस को सेरिना के पीछे जाने को बोलती है जहाँ पर वो भी उसकी बात मांगते हुए सेरिना को मारने चला जाता है और एलेक्सा एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए टेलर की तरफ बढ़ती है। फिर हम सेरिना को देखते हैं जो कि एक फार्म हाउस तक पहुंच जाती है जहाँ पर वो बहुत सारे ह्यूमन की डेड बॉडी को टंगा हुआ देखती है और वहीं उसे ह्यूमन ऑर्गन भी दिखाई देते हैं जिसे देखने के बाद में वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और अपनी जान बचाने के लिए खून से भरे एक ड्रम में छुप जाती है। तभी वहाँ पर बेबी फेस भी आ जाता है जो कि सेरिना को बहुत ढूंढता है लेकिन उसे नहीं मिलती है और इसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है। अब सेरिना को उस ड्रम से बाहर आते हुए हम देख पाते हैं जहाँ पर उसे लगता है कि बेबी फेस वहाँ से चला गया है लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है तो रूफ पर खड़ा हुआ बेबी फेस उस पर अटैक कर देता है और सेरिना के चीख के साथ में ये सीन यहीं पर कट होता है। अब अगले सीन में हम टेलर को होश में आते हुए देखते हैं जहाँ पर वो अपने सामने बहुत सी मूवी की टेप्स को देखता है जिनमें से एक टेप द हिल्स रन रेड मूवी की भी होती है। तभी वहाँ पर उसी मूवी का डायरेक्टर विल्सन भी आ जाता है जिसे देखकर टेलर भी शॉक्ड हो जाता है। फिर वो टेलर को एक टेप प्ले करके दिखाता है जिसमें एक पर्सन बेबी फेस की एक्टिंग कर रहा होता है लेकिन उसकी एक्टिंग अच्छे से नहीं करने की वजह से विल्सन उस पर नाराज हो जाता है और उसे दिखाने के लिए वो खुद बेबी फेस का मास्क पहन लेता है और रियलिटी में वो उस एक्टर को मार डालता है जिसे कुछ ही दूर खड़ी छोटी एलेक्सा देख रही होती है। फिर विल्सन टेलर को बताता है कि बेबी फेस की मदर और कोई नहीं बल्कि एलेक्सा ही है और सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने बेबी फेस को जन्म दिया था। ये सारी बातें बताने के दौरान वो टेलर को एक रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें टेलर एलेक्सा को नेकेड देख रहा होता है और वो खुद को प्लेजर दे रहा था। फिर हम दूसरी तरफ एलेक्सा को देख पाते हैं जहाँ पर वो लालो को द हिल्स रन रेड मूवी के लिए शूट कर रही होती है जिसमें वो उसको रियल टॉर्चर दे रही थी ताकि वो उस मूवी में रियल इमोशन को कैद कर सके। फिर वो बेबी फेस को सेरिना को वहाँ से ले जाने का बोलती है जिसके बाद बेबी फेस सेरिना को एक बचिंग रूम में लाकर बांध देता है और उसका रेप करने लगता है। तभी पीछे से विल्सन अपने साथ में टेलर को लेकर वहाँ पर आ जाता है और फिर वो एलेक्सा पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें इस मूवी को बनाने का कोई हक नहीं है और इस मूवी का डायरेक्टर बस एक ही है जो कि मैं हूँ। लेकिन एलेक्सा उसकी बात नहीं मानती है और लालो को टॉर्चर करती है जिसे गुस्सा होकर विल्सन बेबी फेस को आवाज लगाता है और लालो को मारने को बोलता है लेकिन एलेक्सा यहाँ पर बेबी फेस को ऐसा नहीं करने को कहती है
और खुद ही लालो को मार डालती है, जिसके बाद वो विल्सन पर गुस्सा हो जाती है और उसे बेबी फेस का रियल चेहरा दिखाते हुए उसे इन सब का जिम्मेदार बताती है। फिर विल्सन यहाँ पर फ्रस्ट्रेट होकर एलेक्सा को शूट कर देता है और तभी पीछे से मौका पाकर सेरेना खुद को आजाद कर लेती है। दूसरी तरफ बेबी फेस अपनी माँ को मरा हुआ देखकर बहुत ही दुखी होता है और गुस्से में विल्सन को मौत के घाट उतार देता है, जिसके बाद वो टेलर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी पीछे से सेरेना एक रोड को बेबी फेस के शरीर के आर पार कर देती है, जिसके बाद बेबी फेस वहीं पर मारा जाता है। और अब ये सब देखकर सेरेना और टेलर को लगता है कि वो अब सेफ है, कि तभी एलेक्सा सेरेना को मारकर बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो टेलर को भी बेहोश कर देती है। टेलर को जब होश आता है तो खुद को लाशों से भरे एक सिनेमा हॉल में देखता है और ये लाशें किसी और की नहीं बल्कि इस मूवी की शूटिंग के दौरान मारे गए लोगों की थी, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है। कि तभी वहाँ पर एलेक्सा आती है और सामने लगी स्क्रीन में वो द हिल्स रन रेड मूवी को प्ले करती है। उस मूवी को पूरा देखने के बाद में टेलर पागल हो जाता है और कभी हंसने लगता है तो कभी वो रोने लगता है, क्योंकि उस मूवी की क्रुएलिटी कोई भी नॉर्मल पर्सन सही नहीं कर सकता था और उसमें रियल टॉर्चर और ब्लड को दिखाया गया था। फिर हम मूवी के एंड में सेरेना को एक बेड पर बंधा हुआ देखते हैं, जहाँ पर एलेक्स भी आ जाती है और उसे फीड करते हुए सेरेना के पेट में लोरी को गाती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है और बच्चा किसी और का नहीं बल्कि बेबी फेस का। और इसी लोरी के साथ में ये मूवी ये पर एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी में एक साइको डायरेक्टर को दिखाया गया है, जिसने अपनी मूवी को रियलिस्टिक बनाने के लिए और उस मूवी में किलिंग और टॉर्चर को दिखाने के लिए उसने असली में लोगों को मारा और टॉर्चर किया, जिस कारण न जाने कितने मासूम लोग मारे गए। और हमने ये भी देखा कि एक पिता ने किस तरह अपने बेटे को हैवान बनाया। तो दोस्तों, अब आज के इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं जल्दी आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।